इस वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा क्वालिफाइड बॉक्सिंग कोच अंतरराष्ट्रीय टेक्निकल ऑफिशियल रेफरी जज एग्जामिनर कंप्यूटर स्कोर रह चुका हूँ। अब बॉक्सिंग का इंटरप्रेन्योर हूँ। आपके अपने चैनल बॉक्सिंग हिंदी पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे बॉक्सिंग के बारे में इस चैनल के माध्यम से आगे भी बात करता रहूंगा। आज हम बॉक्सिंग नियम ड्रा बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ड्रा के नियम क्या हैं, इसे बनाने की जरूरत क्यों है। सरल भाषा में कहें तो बॉक्सिंग में कौन बॉक्सर किसके साथ खेलेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, परंतु नियमों की जानकारी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। बॉक्सिंग के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बॉक्सिंग के बहुत से नियम ऐसे हैं जो कि खेलने वाले बॉक्सर, बॉक्सिंग प्रशिक्षक व अधिकारियों को ज्ञात तो है, पर उन्हें उपयोग में किया जाए तो यह उनके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं। हम किसी भी नियम का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, केवल सरल तरीके से समझाने का प्रयास मात्र है जो कि हर बॉक्सर को पता होना चाहिए। जब कोई भी बॉक्सर प्रतियोगिता में जाता है तो उसे बड़ों द्वारा बताया जाता है कि उसकी बाउट एक्स बॉक्सर के साथ है। उसे समझ नहीं आता कि मेरी अगर ड्रा के बारे में पता होगा तो प्रतियोगिता में पहली से लेकर फाइनल बाउट तक बॉक्सर अपनी बाउट का पता कर सकता है केवल ड्रा देखकर। ये जो लाइनें बनी हुई है इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपने मेरा आखिरी तक देख लिया तो आज के बाद ड्रा की कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप इन लाइनों को देख के ड्रा को समझ जाएंगे। ऑफिशियल ड्रॉ जो होता है, थोड़ा रूल्स के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल ड्रॉ जो होता है वो मेडिकल चेकअप और वेइंग, चिकित्सा परीक्षण और सामान्य वजन के बाद प्रतियोगिता का आधिकारिक ड्रॉ जल्द से जल्द होना चाहिए। इसे प्रतियोगिता के प्रथम दिवस पर पहले दिन की पहली बाउट के जो है पहले दिन की पहली बाउट जो है उसका और ड्रॉ के बीच का समय कम से कम 3 घंटे होना चाहिए, यानी कि पहली बाउट से 3 घंटे पहले ड्रॉ होना चाहिए। सभी योग्य मुक्केबाज प्रतियोगिता में आने से पहले अपने नामों की पुष्टि करेंगे, यानी कंफर्मेशन देंगे कि भाई हमारे हैं, उनका नामों का कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक विशेष प्रतिनिधि मंडल के कम से कम एक दल के अधिकारी को आधिकारिक ड्रा में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि कोच, मैनेजर या टीम का सीनियर बॉक्सर, कोई भी एक आदमी ड्रा में उपस्थित रह सकता है। रीड्रा, किसी भी तरीके की कोई भी तकनीकी समस्या अगर आ जाती है तो रीड्रा किया जा सकता है, यानी कि किसी बॉक्सर का नाम छूट गया, किसी भी टीम के दो बॉक्सरों का नाम एक ही ड्रा में आ गया, एक ही वेट कैटेगरी में आ गया। इस तरीके की तकनीकी अगर कोई समस्या आ जाती है तो रीड्रा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई के बारे में। मैं चाहता हूं कि इससे पहले आप अपनी पेंसिल और कॉपी अपने हाथ में ले लें, जिससे आप नोट्स बना सकें। पेन या कॉपी अपने हाथ में लेंगे तो नोट्स बनाने में आसानी रहेगी और ड्रा का आप आसानी से समझ पाएंगे। पहली श्रृंखला में 2 से अधिक मुक्केबाज हैं तो पहली संख्या में प्राप्त संख्या में भाई दी जाएगी। दूसरी संख्या में मुक्केबाजों की संख्या 2, 4, 8, 16, 32 करनी है। जिन मुक्केबाजों को पहली सीरीज में बाई मिली है उन्हें दूसरी सीरीज में खेलना होगा, लेकिन वही खेलेंगे जिनका उन ड्रा में नाम है। प्रतियोगिता में कोई भी मुक्केबाज दोबारा तब तक नहीं खेल सकता जब तक कि उसके वजन वर्ग के सभी मुक्केबाज कम से कम एक बार ना खेल लिया, यानी कि जो बॉक्सर एक बाउट खेल चुका है वो तब तक दोबारा उसकी बाउट नहीं आएगी जब तक कि उसकी वेट कैटेगरी के सारे बॉक्सर खेल ना लिए। प्रतियोगिता के शेड्यूल की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक सीरीज में सबसे हल्का वजन पहले और उसके बाद भारी वजन बाद में लिया जाता है। जैसे किसी भी टूर्नामेंट में लाइट फ्लाई की बाउट पहले होंगी और सुपर हैवी की बाद में। कोई भी नया बाउट शेड्यूल आता है तो उसे बाउट से निर्धारित कम से कम 1 दिन पहले उसे सूचित करना होगा, कम से कम। लेकिन हिंदुस्तान में जब बाउटें चलती हैं तो लगातार प्रोग्राम आते रहते हैं, तो अपनी बाउट का ध्यान आपको टूर्नामेंट शेड्यूल के हिसाब से करना होगा, या अगर आपके पास ड्रॉ है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बाउट कब होनी है। हम बात करते हैं ड्रॉ की। ड्रॉ 2 तरीके के होते हैं, कंप्यूटर ड्रॉ जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ड्रॉ डालता है, और जहां कंप्यूटर नहीं है वहां मैनुअल ड्रॉ सिस्टम होता है जो कि बहुत पहले से चलता आया है। आज हम बात करेंगे मैनुअल ड्रॉ के बारे में। आइए ड्रॉ बनाना सीखें। टेस्टिंग टूर्नामेंट बाय बॉक्सिंग हिंदी, ये हमने एक टूर्नामेंट का नाम लिया है, इसकी जगह पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं। सबसे पहले हम टूर्नामेंट का नाम लिखेंगे, वेट कैटेगरी लिखेंगे और ड्रॉ शीट लिखेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है स्पाइडर। अगर आपने स्पाइडर समझ लिया तो ड्रॉ बनाना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। स्पाइडर होता है 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 2n। कोई भी संख्या जो है उसे n मान लें, उसे 2 से गुणा करें, आगे की संख्या आ जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, इस तरीके से आगे से बढ़ती जाएगी।
इस स्पाइडर को ध्यान रखें। सबसे ऊपर हम लिखेंगे टेस्टिंग टूर्नामेंट बाय बॉक्सिंग इंडिया, यानी कि टूर्नामेंट का नाम। उसके बाद वेट कैटेगरी, मेंस लाइट फ्लाई हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर ली है, आप कोई भी वेट कैटेगरी लिख सकते हैं 46 से 49 किलो की। उसके बाद ड्रॉ शीट, अब शुरू होता है हमारी ड्रॉ की कार्रवाई, किस तरीके से हम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर उस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में, उस एक वेट कैटेगरी में मान लो 5 बॉक्सर हैं। ये जो 5 बॉक्सर हैं, हमने ये निर्धारित कर लिया कि उस वेट कैटेगरी में 5 बॉक्सर हैं। अब बाई की संख्या आती है स्पाइडर से, बाई की संख्या आती है स्पाइडर से, जो ये 5 बॉक्सर हैं, इनसे बड़े वाला स्पाइडर, इनसे बड़े वाला स्पाइडर होगा 8। 8 में से हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर 5 को घटा देंगे। 8 में से हमने 5 को घटाया तो हमारे पास 3 आया, यानी कि भाई की संख्या हमारे पास आ गई 3। अब हम बात करते हैं पहली सीरीज की बाउट, पहली सीरीज की बाउट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर में से भाई की संख्या को घटा देंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर हमारे पास है 5, यही गलती होती है मित्रों, ध्यान दें। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर है हमारे पास 5 और भाई की संख्या हमारे पास ये 3। 3 को हमने 5 में से हमने 3 को घटा दिया, 5 में से 3 घटाने पर हमारे पास संख्या आई 2। ये दो कहाँ से आया? एक ही बाउट में 2 बॉक्सर खेलते हैं, एक बाउट में 2 बॉक्सर खेलते हैं, तो बाउट का नंबर निकालने के लिए हम उससे 2 से भाग देते हैं, यानी कि 2 से हमने 2 को भाग दिया तो हमारे पास संख्या आई 1, यानी कि पहली सीरीज में हमारे पास संख्या आएगी 1। इसको इस तरीके से थोड़ा सा खिसका के लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। कैलकुलेशन जो है आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे ड्रॉ शीट में तो ड्रॉ शीट इस तरीके से लिखी जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर 5, बाई 3, बाउट 1। और उसके बाद हम ड्रॉ डिजाइन करते हैं। ड्रॉ डिजाइन जब हम करेंगे तो ड्रॉ डिजाइन करने में हम ध्यान रखेंगे कि बाउट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे बाएं कॉर्नर पर, और दाहिने साइड हम भाई को लिखेंगे, हल्का से खिसका देंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे, जिससे भाई हमें आसानी से पहचान में आ सके। जैसे कि ये 1 और 2, ये पहली बाउट के लिए है, और भाई को हमने सरका दिया 3, 4, 5, हमने भाई को सरका दिया है। भाई को सरकाने के बाद अब हम बात करते हैं, हम इनके नामों की पर्चियां बनाएंगे। नामों की पर्चियां बनाना यानी कि टीम के नामों की पर्चियां बनाएंगे और उनको जो है किसी से भी हम ये पर्चियां निकलवा लेंगे। पहले बाउट की पर्ची निकलेगी, उसके बाद भाई की पर्ची निकलेगी। ये बॉक्सिंग का एक नियम है कि पहले बाउट की पर्ची निकलेगी फिर भाई निकाली जाती है। सबसे आखिरी की भाई जो होती है वो पहली बाउट से खेलेगी। आप देखें हमारे पास यहाँ सबसे आखिरी की बाई है 5 नंबर, और इस सीरीज में पहली बाउट है हमारे पास ये 1 और 2 के बीच था, इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि पहली बाउट आखिरी बाई के साथ खेलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर उसके बाद जो पर्चियों के द्वारा निकले गए नाम है उनको इस तरीके से फिल कर देंगे, इस तरीके से उस जगह पर स्थान पर लिख देंगे। जैसे 1 नंबर पे ई बॉक्सर, 2 नंबर पे ए बॉक्सर, 3 नंबर पे बी बॉक्सर, 4 नंबर पे डी बॉक्सर, 5 नंबर पे सी बॉक्सर, इस तरीके से ये ड्रॉ हम डालते हैं। उसके बाद आता है इनके ऊपर बाउट नंबर डालना। बाउट नंबर डालने के लिए मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, बॉक्सिंग हिंदी चैनल में हम नियम प्रतियोगिता प्रैक्टिस की वीडियो आपके लिए आगे लाते रहेंगे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आपके अपने चैनल बॉक्सिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।